Good morning, students. Now in today's lecture we will see the third point, that is variation of acceleration due to gravity due to latitude. अब यहाँ पर इससे पहले हमने दो पॉइंट डिस्कस किए, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू हाइट दैट इज अल्टीट्यूड एंड वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू डेप्थ. नाउ वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटीट्यूड. तो इससे पहले हम लैटीट्यूड का मीनिंग क्लियर करते हैं. जैसे आपको ज्योग्राफी में इसका मीनिंग क्लियर हुआ है, व्हाट इज लैटीट्यूड. देखिए, सपोज दिस इज अर्थ, दिस इज अर्थ एंड वी नो दैट अर्थ रोटेट्स अबाउट एन एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन. इस तरह से अर्थ रोटेट होती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नाउ दिस इज नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ कोर्स एंड दिस इज साउथ वन. नाउ देर इज वन एक्सिस ऑफ रोटेशन अराउंड विच द अर्थ रोटेट कंटिन्यूसली. ओके, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट, अराउंड विच द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, राइट. नाउ दिस इज ऑल्सो नोन एज पोलर एक्सिस बिकॉज दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. नाउ पहले इक्वेटर का मीनिंग क्लियर करते हैं. वॉट इज इक्वेटर. इक्वेटर इज नथिंग बट अ प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. देखिए यहाँ पर एक प्लेन हमने कंसिडर किया है विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इक्वेटर एंड दिस इज नॉन एज पोल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो एक प्लेन होता है यहाँ पर दैट पासिस थ्रू सेंटर ऑफ द अर्थ एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज इक्वेटर. ओके, नाउ पैरेलल टू इक्वेटर अगर हम यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे ड्रॉ करते हैं, दीज आर हॉरिजॉन्टल लाइंस. ओके, अबव द हेमिस्फीयर एंड बिलो द हेमिस्फीयर, इस तरह से. दैट मीन्स देर आर डिफरेंट पोजिशंस ऑन द अर्थ. सपोज हम यहाँ पर एक पोजिशन कंसिडर करते हैं, ए पोजिशन. तो दिस इज द प्लेन पासिंग थ्रू द ए पोजिशन. ओके, नाउ लैटीट्यूड का मीनिंग क्या होता है. लैटीट्यूड ये एक एंगल है स्टूडेंट, लैटीट्यूड इज एन एंगल. ओके, दैट एंगल मेड बाय द पोजिशन विद द इक्वेटर. मतलब क्या कि अगर पोजिशन से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके, दैट इज ओ ए, और ये इक्वेटर है यहाँ पर ई, सपोज दिस पॉइंट इज ई. तो इस पोजिशन ने इक्वेटर प्लेन के साथ कितना एंगल सस्टेंड किया है, दैट इज नोन एज लैटीट्यूड. दिस इज द लैटीट्यूड. सो दैट द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द अर्थ टू द पोजिशन ऑन द अर्थ विथ द इक्वेटोरियल प्लेन या फिर विथ इक्वेटर, दिस एंगल इज नोन एज लैटीट्यूड. देखिए अगर पॉइंट ए एग्जैक्टली इक्वेटर पर होता है, ओके, तो ओ ए और ओ ई के बीच एंगल कितना होगा, थीटा, जीरो होगा. जब पोजिशन एग्जैक्टली इक्वेटर पर होती है तब लैटीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा इसमें. और जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं, ओके, सपोज ए पोजिशन पर आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस एंगल इज 30 डिग्री, ये कितना है 30 डिग्री, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड. मतलब इक्वेटर से हम किस दिशा में है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, 30 डिग्री. ओके, सपोज इस पोजिशन पर आ जाते हैं, दिस इज ए पोजिशन. नाउ ज्वाइन ओ ए विच मेक्स एंगल थीटा विद द इक्वेटर, लेट दिस एंगल इज 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री. और जब पोजिशन एग्जैक्टली पर होगा, मतलब नॉर्थ पोल पर होगा, ओके, तो ओ ए लाइन दैट मेक्स एंगल 90 डिग्री विथ इक्वेटर. तो यहाँ पर पोल पर लैटीट्यूड कितना होगा स्टूडेंट, दैट इज 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री. ओके, फिर से देखिए यहाँ पर ये इस पोजिशन से हुआ है. फिर से यहाँ पर देखिए इक्वेटर टू द पोल एंगल इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90, ये हो गया नॉर्थ हेमिस्फीयर का. वैसे साउथ हेमिस्फीयर में भी क्या होता है कि जैसे पोजिशन चेंज होगी यहाँ पर एंगल इंक्रीज होगा,
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और अगर पोजीशन यहाँ पर आ जाती है तो दैट मेक्स एंगल 90 डिग्री विद द इक्वेटर। तो यहाँ पर भी 0 टू 90 डिग्री, मतलब पोल पर लैटिट्यूड कितना होता है स्टूडेंट 90 डिग्री, इक्वेटर पर लैटिट्यूड क्या होता है 0 डिग्री। मतलब व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम इक्वेटर टू पोल द लैटिट्यूड इंक्रीजेस फ्रॉम 0 टू 90। उसी तरह से अगर हम साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर भी एंगल इंक्रीज होगा फ्रॉम 0 टू 90। ओके, सो व्हाट इज लैटिट्यूड देन? लैटिट्यूड मतलब क्या होता है कि अगर अर्थ सरफेस पर कहीं पर, सपोज यहाँ पर एक पोजीशन है, अगर हम लाइन जॉ ओके अगर हम यहाँ से लाइन ज्वाइन कर देते हैं स्टूडेंट तो दैट मेक्स सम एंगल विद द इक्वेटर, दिस इज नोन एज लैटिट्यूड। सो लैटिट्यूड एट एनी प्लेस इज नथिंग बट द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विद द इक्वेटर, दैट एंगल इज नोन एज लैटिट्यूड। क्लियर? अब इक्वेटर पर लैटिट्यूड कितना होता है स्टूडेंट? जीरो। जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते टूवर्ड्स नॉर्थ पोल या टूवर्ड्स साउथ पोल तो एंगल यहाँ पर इंक्रीजिंग रहेगा 10, 20, 30, 40 अप टू 90 डिग्री। देखिए ज्योग्राफी में आपको एक हुआ है पॉइंट कि इक्वेटर से ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री और नीचे भी 23.5 डिग्री, मतलब 46 डिग्री का ये बेल्ट है, दैट इज नोन एज ट्रॉपिकल जोन। दिस इज ट्रॉपिकल जोन। तो इस ट्रॉपिकल जोन में हेवी रेन फॉल होता है स्टूडेंट, राइट? और फिर ओके और उसके आगे फिर नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम होता है स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर होगा? इक्वेटर पर होता है। ओके, सो दिस इज लैटिट्यूड। सो व्हाट इज लैटिट्यूड? दैट इज द पोजिशन ऑफ प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस एंड दैट मेक्स एंगल विद द इक्वेटर, दैट लाइन ज्वाइनिंग द पोजिशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट मेक्स एंगल विद द इक्वेटर इज नोन एज लैटिट्यूड। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस जो होते हैं अर्थ सरफेस के ऊपर, ओके, इमेजिनरी लाइन होते हैं ये, दैट इज कॉल्ड लैटिट्यूड। और एक होता है लॉन्गिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है? वर्टिकल लाइंस। उसी तरह से वर्टिकल लाइंस, ओके, सो ऑन अर्थ इट इज इमेजिनरी लाइंस, हॉरिजेंटल लाइंस एंड वर्टिकल लाइन। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो जो न्यू टेक्नोलॉजी है जीपीएस सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, है ना, जीपीएस सिस्टम, गूगल मैप की वजह से हम कहीं पर भी पहुंच जाते हैं। अगर लोकेशन डाल देते हैं, डेस्टिनेशन डाल देते हैं, है ना, तो वहाँ पर हम पहुंच जाते हैं। बिकॉज ये जो लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड होते हैं स्टूडेंट, तो ये ऑटोमेटिकली सैटेलाइट उसको डिटेक्ट करता है और हमारी पोजिशन एग्जैक्टली डिटेक्ट हो जाती है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ लैटिट्यूड की बात करनी है स्टूडेंट। सो लैटिट्यूड का मीनिंग आपको क्लियर हो रहा है? क्या है लैटिट्यूड? दैट इज द एंगल मेड बाय द लाइन ज्वाइनिंग द पोजिशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ विथ इक्वेटर। यहाँ पर जो एंगल सब्सटेंड होता है दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। और ये यहाँ पर याद रखिए, अब देखिए इक्वेटर पर लैटिट्यूड कितना होता है? जीरो डिग्री। और जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90, मतलब पोल पर लैटिट्यूड होता है 90 डिग्री, इक्वेटर पर लैटिट्यूड होता है 0 डिग्री। अगर पोजीशन यहाँ पर है तो ये एंगल 0 टू 90 के बीच हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, एनी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट लैटिट्यूड। तो यहाँ पर देखिए, अब वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। नाउ कंसिडर द पोजिशन ए, सपोज यहाँ पर ए पोजिशन हम कंसिडर करते हैं, ओके स्टूडेंट। सो इसका लैटिट्यूड क्या होगा? देखिए सेंटर ऑफ द अर्थ ओ, दिस इज इक्वेटर, यहाँ पर इक्वेटर है, ठीक है, दिस इज पोल एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन पासिंग थ्रू नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो अर्थ यहाँ पर इस तरह से रोटेट होगी स्टूडेंट, इन दिस वे फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ओके, लेट दिस इज पॉइंट इज ई, सेंटर ऑफ द अर्थ इज ओ। नाउ हमें यहाँ पर एक पोजीशन है, देखिए ए पोजीशन, तो यहाँ पर लैटिट्यूड क्या होगा स्टूडेंट? ज्वाइन ओ ए, बराबर है? नाउ दिस मेक्स एंगल थीटा
विथ इक्वेटर, तो यहाँ पर लैटिट्यूड कितना हुआ स्टूडेंट, थीटा। इट मे बी 20 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, व्हाट इट मे बी। ओके, कंसिडर अ पोजिशन, यहाँ पर ए पोजिशन हमने कंसिडर किए अर्थ सरफेस पर, एंड जॉइन द पोजिशन टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। द लाइन ओ ए मेक्स एंगल थीटा विद द इक्वेटर, सो लैटिट्यूड इज हियर थीटा। तो इस लैटिट्यूड पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए हमें एक्सप्रेशन ऑप्टेन करना है, बिकॉज हमें ये तो पता है ना कि इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे कम होती है, 9.7804 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, ऑन द पोल्स 9.8322 बराबर है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पर जी की वैल्यू इंक्रीजिंग है, बराबर है। तो ए पोजिशन पर जी की वैल्यू क्या होगी, मतलब एंगल अगर हमें पता है, लैटिट्यूड अगर हमें पता है, तो इन द फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड हमें एक जनरल इक्वेशन ऑप्टेन करना होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए। यस, तो यहाँ पर ये आर्टिकल डिस्कस करने वाले हम। नाउ देखिए, जैसे अर्थ यहाँ पर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होगी, ओके, तो ये पोजिशन भी यहाँ पर रोटेट होगा इस तरह से इन सर्कुलर पाथ, राइट, इन द सर्कुलर पाथ। और इस सर्कुलर पाथ का सेंटर होगा लेट, दिस इज ओ डैश। अगर हम ओ डैश और ए ज्वाइन कर देते स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया यहाँ पर स्मॉल आर, लेट दिस इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द पोजिशन ऑन द अर्थ इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। ओके, नाउ ओ ए इज रेडियस डिनोटेड बाय कैपिटल आर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ, दैट इज 6400 किलोमीटर। ओके, ओ ए इज द रेडियस ऑफ अर्थ, ओ डैश इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। देखिए, अगर पोजिशन इक्वेटर पर होता है तो यहाँ पर रेडियस कितनी होगी, इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, लेकिन जैसे हम यहाँ पर पोजिशन मूव होते फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, तो सर्कुलर पाथ की रेडियस कम हो जाएगी यहाँ पर। ओके, और एग्जैक्टली पोल पर अगर पोजिशन होती है तो वहाँ पर पार्टिकल जस्ट रोटेट होगा, रेडियस ऑफ सर्कल जीरो होगी। ओके, तो ये आर यहाँ पर स्मॉल आर है, ओ डैश ए मतलब स्मॉल आर। दिस पोजिशन और पार्टिकल ए इज रिवॉल्विंग अराउंड दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है स्टूडेंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ। ओके, तो इस तरह से रिवॉल्विंग रहेगा यहाँ पर ए पोजिशन। नाउ देखिए, दिस एंगल इज थीटा, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इज इक्वल टू थीटा, एंड इट इज इक्वल टू एंगल ओ ए ओ डैश। कौन सा एंगल, देखिए ये एंगल, ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा। व्हाई, बिकॉज ओ डैश ए एंड ओ ई आर पैरेलल। ओ ए अगर इंटरसेटिंग हम कंसिडर करते तो ए ओ ई ये एंगल और ओ ए ओ डैश ये एंगल दोनों अल्टरनेट एंगल है ना, इसलिए इक्वल हो जाती है। ओके, नाउ अब एज द पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, देन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज एक्सर्टेड ऑन इट। और उस सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी स्टूडेंट, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, ओके, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए आर इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वेयर, बिकॉज इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। ओके, ओमेगा स्क्वेयर, नाउ व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी विथ विच द अर्थ इज रोटेटिंग। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी एट एवरी पोजिशन रिमेन्स सेम। ओके, बिकॉज सपोज यहाँ पर ए पोजिशन है और यहाँ पर बी पोजिशन है, तो दोनों को एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं ना, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द डे। तो एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई कॉन्स्टेंट है और
हर एक पोजीशन जो अर्थ पोजिशन अर्थ पर हैं ओके उनको एक रिवॉल्यूशन और रोटेशन कंप्लीट करने के लिए वक्त कितना लगता है 24 आवर्स, वो भी कांस्टेंट है, इसलिए हर एक पोजीशन का एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर सेम रहती है। सो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एट ए पोजीशन इज गिवन बाय आर ओमेगा स्क्वेयर, ओके आर ओमेगा स्क्वेयर, ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है स्टूडेंट। नाउ नाउ इन ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ओ ए ओ डैश, ओके देखिए ये एंगल यहाँ पर थीटा है। नाउ ओ डैश ए मतलब एडजेसेंट साइड आर पता है, ओ ए मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल आर ये भी पता है, मतलब एडजेसेंट साइड एंड हाइपोटेनियस बिकॉज ये तो परपेंडिकुलर है ना, तो एडजेसेंट साइड और हाइपोटेनियस के बीच रिलेशन क्या होता है कॉस, यस कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड ओ डैश ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस ओ ए, सो दिस इज स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, देयरफॉर स्मॉल आर के लिए इक्वेशन क्या होगा कैपिटल आर इंटू कॉस थीटा आर कॉस थीटा, तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन होगा स्टूडेंट ए आर इज इक्वल टू आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वेयर, ये है सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। ओके नाउ अब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पर तो पार्टिकल के ऊपर एक सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी, है ना, बिकॉज सेंट्रिपिटल का मतलब अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रिफ्यूगल मतलब अलोंग द रेडियस अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके तो सेंट्रिफ्यूगल सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, तो उतना रहेगा ये मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट रहेगी, तो ये आर कॉस थीटा ओमेगा स्क्वेयर, ओके दिस इज सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन और उसकी डायरेक्शन क्या होगी आउटवर्ड होगी स्टूडेंट। ओके अब देखिए ए पोजीशन पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दिस इज द नॉर्मल, ओके तो फ्रॉम द सेंटर अगर इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये वर्टिकल होगा और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बराबर ए पोजीशन पर देखिए फ्रॉम द सेंटर ये लाइन आ गई मतलब दिस इज वर्टिकल एक्सिस एट पोजीशन ए, दिस इज वर्टिकल दिस इज हॉरिजॉन्टल मतलब ये सेंट्रिफ्यूगल फोर्स इसने ये इतना एंगल सबटेंड किया है विथ वर्टिकल बिकॉज दिस इज अपोजिट एंगल, देखिए यहाँ पर ये दोनों अपोजिट एंगल है इसलिए ये भी एंगल क्या होगा थीटा होगा, ठीक है। सो ए आर दैट इज सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन इज इंक्लाइंड विथ वर्टिकल बाय द एंगल थीटा, देखिए आप इस पोजीशन पर अगर खड़े होते हैं ए पोजीशन पर ओके ये सरफेस ऑफ द अर्थ है तो ये वर्टिकल होगा ना एग्जैक्टली वर्टिकल, तो सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन इस तरह से, तो अगर ये इंक्लाइंड पोजीशन में तो सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन का रिजोल्यूशन होगा एक वर्टिकल कंपोनेंट एंड एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, राइट, तो वर्टिकल कंपोनेंट मतलब एडजेसेंट साइड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब यहाँ पर साइन थीटा होगा, है ना, तो एडजेसेंट साइड देखिए वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा तो ये ओमेगा हम यहाँ पर लिखते हैं स्टूडेंट, ओके दैट अर्थ रोटेट विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2π/T यहाँ पर लिखते हैं फिलहाल, ओके तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट ये होगा ए आर कॉस थीटा, बराबर, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा ए आर साइन थीटा, आपको ये ए आर एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लग रहा होगा लेकिन अगर आप ए पोजीशन पर खड़े होते हो ओके तो ये सरफेस है सरफेस ऑफ द अर्थ तो वर्टिकल लाइन ये होगी ना और हॉरिजॉन्टल लाइन सरफेस अलोंग द सरफेस होगी तो ये यहाँ पर इंक्लाइन विथ एंगल थीटा, इसलिए सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का हमने कंपोनेंट लिया है वर्टिकल कंपोनेंट ये एडजेसेंट साइड है इसलिए ए आर कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ए आर साइन थीटा, ओके तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा फिर यहाँ पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स का, यस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रिफ्यूगल सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन सेंट्रिफ्यूगल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए आर
कॉस थीटा। नाउ दिस इज इक्वल टू ए आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कैपिटल आर कॉस थीटा इंटू ओमेगा स्क्वेयर इंटू दिस कॉस थीटा। सो दिस इज आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वेयर थीटा। ओके दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। ओके ये वर्टिकल कंपोनेंट स्टूडेंट यहाँ पर है। सो दिस इज डिनोटेड बाय ए, लेट दिस इज डिनोटेड बाय ए। तो यहाँ पर इसको हम ए से डिनोट करते हैं स्टूडेंट। तो ए का मतलब क्या होगा, दैट इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो ये कितना हो गया यहाँ पर, आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर वन। नाउ अब ए पोजिशन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी जी, और उसकी डायरेक्शन होगी टूअर्ड्स द सेंटर। कितने होगी, टूअर्ड्स द सेंटर। देखें ए पोजिशन पर अगर आप खड़े होते हैं तो ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया ए आर कॉस थीटा, मतलब ए, और ए की वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, मतलब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। और इसी पोजिशन पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एग्जिस्टिंग है ना, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके मतलब ए पोजिशन पर अब दो एक्सेलरेशन है, एक एक्सेलरेशन कौन सा होगा स्मॉल जी विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, एंड दूसरा एक्सेलरेशन ए दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन का वर्टिकल कॉम्पोनेंट। तो ए पोजिशन पर दो एक्सेलरेशन है, एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है। तो फिर ए पोजीशन पर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा, मतलब ए पोजीशन मतलब एट लैटिट्यूड थीटा। तो एट लैटिट्यूड थीटा ए पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट एट पोजीशन ए और लैटिट्यूड थीटा पर। ओके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी थीटा, अगर हम जी थीटा कंसिडर करते हैं। ओके तो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन से देखिए, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर है, और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन है ए, मतलब ए पोजिशन पर या फिर लैटिट्यूड थीटा पर नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, लेट दिस इज जी थीटा। देयरफॉर जी थीटा मतलब क्या होगा कि जी माइनस ए है ना। यहाँ पर बिकॉज पार्टिकल इज स्टिक विद द ए पोजिशन पर पार्टिकल स्टिक है। ओके इसका मतलब जी की वैल्यू ए से ज़्यादा होगी, इसलिए जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस ए। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें एक और एक मेथड कौन सी, कि यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मतलब वेट होगा, ओके और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स होगा ना, तो इनवर्ड डायरेक्शन मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पर अर्थ सरफेस पर है ए पोजिशन पर है। ओके उसके ऊपर ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, देखिए अगर हम इस पोजिशन पर हैं तो अगर ऑब्जेक्ट ड्रॉप कर देते तो दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स ज़्यादा है आउटवर्ड डायरेक्शन से। तो नेट फोर्स क्या होगा यहाँ पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन माइनस आउटवर्ड डायरेक्शन, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन माइनस सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो नेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए पोजिशन या लैटिट्यूड थीटा पर कितना होगा, जी थीटा दैट इज जी माइनस ए। ओके तो जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस, अब ए की वैल्यू कितनी है फ्रॉम इक्वेशन वन, आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये जनरल फार्मूला स्टूडेंट, दिस इज वेरी जनरल एंड इम्पॉर्टेंट फार्मूला इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन टू गिव्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा, अगर थीटा की वैल्यू चेंज हो जाती फ्रॉम इक्वेटर टू पोल दैट इज 0 to 90 degree, तो थीटा की वैल्यू उस तरह से चेंज होगी 10 degree, 20 degree, 30, 40 अप टू 90 degree। ओके तो यहाँ पर कॉस्ट स्क्वेयर थीटा है, तो इससे ये वैल्यू चेंज हो जाएगी
ओके, तो ये वैल्यू चेंज होने के कारण फिर हमें पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मिल सकती है स्टूडेंट, राइट। केस वन एट इक्वेटर। देखिए अगर पोजीशन ए यहाँ पर है तो दैट मेक्स एंगल विद द इक्वेटर दैट इज जीरो, तो इक्वेटर पर लैटिट्यूड कितना होता है 0 डिग्री। ओके, तो जी इक्वेटर पर है इसलिए जी ई लिखेंगे हम, इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 0 डिग्री। सो जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर बिकॉज कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर इज 1 दैट इज जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर। तो इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होगी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की उसमें से आर ओमेगा स्क्वेयर फैक्टर ये सब्ट्रैक्ट होगा। ओके, तो इक्वेटर पर जी की वैल्यू कम होगी। नाउ केस टू मतलब एट पोल कंसिडर करते हैं हम, एट द पोल। देखिए अगर पोजिशन पोल पर है तो विद द इक्वेटर इट मेक्स एंगल 90 डिग्री, तो एट द पोल लैटिट्यूड कितना होता है 90 डिग्री, और हमें पता है कि कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट 0 होते हैं। सो एट पोल मतलब जी पी सफिक्स लिखते हैं हम यहाँ पर, जी माइनस यही फार्मूला आर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर 90 डिग्री, तो जी पी इज इक्वल टू जी बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी पूरी, तो जी पी इज इक्वल टू जी। ओके, और जी पी इज इक्वल टू जी मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है एट द पोल 9.8322 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर, ये वैल्यू होती है स्टूडेंट, मतलब इनडायरेक्टली आपको जी की वैल्यू मिल गई ना। तो इस इक्वेशन में जी का मतलब क्या है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, और वो कहाँ पर होती है पोल पर होती है 9.8322 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर। ओके, सो यहाँ पर ये भी प्रूव है ना कि जी पी इज इक्वल टू जी बिकॉज सेकंड टर्म तो यहाँ पर 0 हो गई, इसका मतलब कि इक्वेटर पर इस मैक्सिमम वैल्यू 9.8322 में से इतना फैक्टर यहाँ पर माइनस हुआ, ये इतना फैक्टर माइनस होता है स्टूडेंट। ओके, तो ये वैल्यू कहाँ पर होगी, कम वैल्यू इक्वेटर पर होगी, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी होगी स्टूडेंट आर ओमेगा स्क्वेयर की। तो ये आर ओमेगा स्क्वेयर फैक्टर क्या होता है, ओके, एंड दिस इज कॉन्स्टेंट, व्हाई इट इज कॉन्स्टेंट, देखिए आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, एवरेज रेडियस 6400 किलोमीटर कॉन्स्टेंट है, ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी कॉन्स्टेंट होती है ना। ओके, तो आर ओमेगा स्क्वेयर ये फैक्टर कॉमन होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। देखिए आर ओमेगा स्क्वेयर, तो आर ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसमें क्या करते हैं पहले ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/T, सो दिस इज 2 × π की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय टी, मतलब दैट इज पीरियडिक टाइम ऑफ द अर्थ रोटेशन, तो एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना वक्त लगता है 24 आवर्स। ओके, सो दिस इज 6.28 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, 24 × 60 × 60, राइट, ओमेगा इज इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाय, अब 24 × 60 × 60 तो ये कितना होता है स्टूडेंट, यस 86,400 अगर मल्टीप्लाई करते हम, दैट इज 6.28 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम 8.64 × 10⁻⁴ कितना लिख सकते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 10⁻⁴। ओके, या फिर ओमेगा इज इक्वल टू 6.28 डिवाइडेड बाय 8.64, ओके, ये ऊपर आने के बाद 10⁻⁴ क्या होगा, -4 होगा, या फिर देखिए इसको अगर हम इस तरह से लिखते हैं 62.8 डिवाइडेड बाय 8.64, ओके,
तो 6.28 को हमने 62.8 लिखा है, मतलब 10^-1 होगा। एक डेसिमल पॉइंट हमने शिफ्ट किया ना दो के बाद लिखा है, मतलब 10^-1, और ये 10^-4 दैट इज 10^-5। ओके नो ओमेगा इज इक्वल टू, अब देखिए 8 जा कितना होता है 64, लेकिन ये 64 से कम है, मतलब 7 point something होगा। ओके तो ये आंसर होता है स्टूडेंट, तो ये होगा 7.275 इंटू 10^-5 ओके पर सेकंड राइट। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर स्पीड ओमेगा, 7.275 इंटू 10^-5 रेडियन पर सेकंड या पर सेकंड। नाउ हमें वैल्यू निकालनी है आर ओमेगा स्क्वायर की। ओके तो आर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, अब आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितने होते हैं 6400 किलोमीटर, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये 6.4 इंटू 10^-6 होगा इंटू ब्रैकेट में ओमेगा स्क्वायर मतलब 7.275 इंटू 10^-5 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके नाउ आर ओमेगा स्क्वायर अगर इसको कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट हम, मतलब 7.275 का स्क्वायर 10^-5 को हम 10^-10 लिखेंगे इंटू 2 है ना यहाँ पर, और इसको अगर कंप्लीट करते हैं तो इसका आंसर कितना आता है स्टूडेंट देखिए 0.03386 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आता है बिकॉज देखिए इसका स्क्वायर हो रहा है मतलब पर सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर में तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, दिस इज कांस्टेंट वैल्यू फॉर अर्थ, अर्थ के लिए ये कांस्टेंट वैल्यू। देखिए मतलब इक्वेशन टू को हम और शॉर्टली कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर जी थीटा मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट लैटिट्यूड थीटा इज इक्वल टू जी माइनस ओके आर ओमेगा स्क्वायर, मतलब ये वैल्यू होगी। अब इसको और थोड़ा शॉर्टली कैसे याद रखेंगे हम 0.03, देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 3 है, तो 8 होने के कारण 3 डिजिट्स एक डिजिट से बढ़ेगा ही, तो ये 4 होगा स्टूडेंट। तो शॉर्ट टर्म आप इतना याद रखिए 0.034, कितना 0.034 ओके ये आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लिखी हमने। कॉस स्क्वायर थीटा ये फॉर्मूला यहाँ पर और सिंप्लीफाइड ओके तो जी थीटा इज इक्वल टू जी माइनस 0.034 कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं हम जी थीटा इज इक्वल टू, अब जी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब होगा जी पी जो वैल्यू पोल पर होगी, और पोल पर सबसे ज़्यादा वैल्यू होते हैं, मतलब ये कांस्टेंट है जी ओके तो इसको हम लिखेंगे 9.832 बिकॉज यहाँ पर डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है ना, तो डेसिमल पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखते हैं हम, मतलब कैलकुलेशन में इजी आएगा ओके तो 9.8322 है, तो हमने 9.832 लिखा है माइनस 0.034 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एनी लैटिट्यूड निकालने का, बराबर है कितना है 9.832 माइनस 0.034 कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक ही पैरामीटर बाकी है थीटा, जैसे अगर इक्वेटर पर हम लेते हैं तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए इक्वेटर पर थीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी ओके तो जी थीटा इज इक्वल 9.832 माइनस 0.034 जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी 9.78 समथिंग ओके एट इक्वेटर पर जी की वैल्यू होगी। नाउ अगर पोजीशन हम यहाँ पर लेते हैं 30 डिग्री पर, तो यहाँ पर 30 डिग्री लिखना होगा, कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो √3/2 का स्क्वायर होगा 3/4 ओके अगर 45 डिग्री लेते हैं 60 डिग्री लेते हैं, वैसे हम पोल पर अगर पहुंच जाते हैं तो लैटिट्यूड कितना होगा यहाँ पर 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तो ये सेकंड टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए पोल पर वैल्यू कितनी होगी जी पी इज इक्वल जी दैट इज 9.832
टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट स्टूडेंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिर्फ थीटा अगर हमें मालूम होता है तो उस लैटिट्यूड पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी, ये इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट।